मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के नदिया गांव की उर्मिला देवी ने मणियाहू कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि कल दिनांक 26/10/2021 की रात लगभग 10 बजे पड़ोसी गांव मिट्टी निवासी मंगेश दुबे पुत्र आसाराम मेरे घर में घुस गया। मैं घर के गलियारे में सो रही थी, वह आकर मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। नींद खुलने पर जब उसने अपना पीछा छुड़ाकर शोर मचाना शुरू किया, तब वो मेरे घर के अंदर कमरे में सो रहे आवाज़ सुनकर वह लोग गलियारे में पहुंच गए। घर के लोगों ने यह देखकर वहां पर शोर मचाना शुरू किया, जिसको देखकर वो वहां से भाग निकला। इसके लिए मैं न्याय की गुहार थाने पर लगा रही हूं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। अच्छा ये बताइए, क्या समस्या है जो मणियाहू कोतवाली में आप आई हुई हैं? हमारे गलियारा में हम घर बनवा रहे थे, कोई गलियारा हम सुनती थी, तो जो मंगेशवर है तो हम पे अकेले देखे थे। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, तब गए। हाँ गए तो हमारे संगे गलत काम करने चले, हम अपन थोड़ा थोड़ा के भगे भाग गए। तो अपने हम लड़किया के बुलवाए, हमारे लड़किया आए तो फोन करवाए, हमारे आदमी आए तो कहते सब, जब लड़किया बुलाए के तो भाग गए। क्या नाम है आपके आदमी का? रमेश चंद। अच्छा आपके लड़के क्या नाम है? प्रकाश पटेल। अच्छा ये बताइए कब का ये मामला है? 10 बजे रात को। 10 बजे तो ये बात आपने पुलिस प्रशासन को बताई है, प्रार्थना पत्र दिए हैं? हाँ। तो कौन आपके साथ छेड़खानी कर रहा था? मंगेशवर। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग थे वो? अकेला था वो? हाँ अकेला था। अच्छा, अकेला था। कहाँ के रहने वाले हैं वो? पट्टी के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नदियाँ का। नदियाँ पट्टी सटला है। अच्छा सटा हुआ है। हाँ सटा हुआ है। तब आगे क्या हुआ जब आपने? तब भाग गया था वो। भाग गया। हाँ तब आए सब, तब सौ नंबर बुलाए थे, तब गए थे। तो सौ नंबर आप फोन किए थे? हाँ, सौ नंबर वहाँ गई थी। हाँ। तो इसके बाद वो लोग अभी पकड़े नहीं गए? नहीं पकड़े। तो आप थाने में तहरीर दिए हैं उनके खिलाफ? जी। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी।